अपने आइडिया किसी और के आइडिया से अलग है, सिर्फ इसीलिए उनके सपने को ठुकराना नहीं चाहिए। मेहनत से सजाए गए सपने ही इंसान की पहचान बनाते हैं। केसर, मैंने तुम्हारी पहचान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर तुम अपने लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर लोगी तो वो राजगौर डायमंड्स के बिजनेस का कंपटीशन बन जाएगा। सूरज, मैं ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, अपने सपने के लिए कर रही हूँ। ये लैब से निकले हीरे हमारे राजगौर डायमंड्स के हीरो का कंपटीशन नहीं बनेंगे, क्योंकि इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो राजगौर डायमंड्स को ही मिलेगा। राजगौर डायमंड्स का ब्रांड वो बरगद का पेड़ बनेगा जिसकी छाव के नीचे ये नया बिजनेस ग्रो करेगा। पर लैब ग्रोन डायमंड्स की जरूरत ही क्या है, उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा केसर। कोयले की खान में से निकले हीरो की कीमत भी तो किसी की अंगूठी या किसी के हार में जाकर ही बढ़ती है ना सूरज। और लैब में से निकले हीरे भी अगर वही चमक बिखेरेंगे तो ग्राहक उनका भविष्य खुद सुधार देंगे। और मासू, जो चीज देश का मिडिल क्लास ग्राहक भी खरीद सके उसका फ्यूचर सेट होना तो तय है ना। योर ड्रीम इज क्वाइट नाइस, पर ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट डायमंड पार्क में इन्वेस्ट कर चुके हैं केसर। मुझे हमारी कंपनी से एक भी पैसा नहीं चाहिए सूरज, मैं ऑलरेडी बैंक मैनेजमेंट से बात कर चुकी हूँ, वो तैयार है। मैं जैसे ही उनके साथ एग्जीक्यूशन प्लान शेयर करूंगी वो इन्वेस्ट करने को रेडी है। शाबाश केसर, आज धीरेन की याद दिला दी तूने। वो हमेशा कहते थे अपने सपनों पर अमल नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। रिस्क कहाँ लेना चाहिए उसकी समझ है तुझे। अब जैसे जैसे अपने फैसले खुद लेती जाएगी, बिजनेस की बाकी बारीकियां भी अपने आप समझती जाएगी। बा ये देखिए मासू, सूरज आप भी देखिए, मैं ना बिल्कुल नई टीम बनाऊंगी और उसमें ज्यादातर औरतें ही होंगी और इसी घर से काम करके पेमेंट दूंगी। माँ और सास के रूप में मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया केसर, पर आज तूने जो अपने सपने की तस्वीर दिखाई, मुझे बहुत गर्व है कि तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है, मेरी होने वाली बहू भी है। आई अग्री, बहुत ही एक्सेलेंट आइडिया है ये। फ्यूचर में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तुमने उसका सलूशन पहले ही सोच लिया। आई जस्ट होप कि तुम्हें बहुत 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 सक्सेस मिले केसर। हमारा आशीर्वाद हमेशा तारी साथ है बेटा। माँ अंबे ने कृपा तारा पर हमेशा रहे अने तारा बद्धा सपना साक्षात है। आई होप आसमान में ऊंचा उड़ने के बाद केसर सेफली घर पर लैंड भी करेगी, एंड आई विश कि ये अपने सपने के साथ साथ आपका संकल्प भी पूरा करे। केसर, पंडित जी बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक एक दिव्य मुहूर्त है और वो शादियों के लिए बहुत शुभ है। So what do you say, केसर? तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, नहीं, नहीं।